अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। प्रीवियसली हम इसके मेन टॉपिक को हमने डिस्कस किया था जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स था, और फिर नर्व इम्पल्स में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया था। टुडे वी विल फर्दर प्रोसीड विद द टॉपिक दैट इज़ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम रिपीट करें तो आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो। तो उसमें क्या था कि वो नॉन एक्साइटेड स्टेट थी हमारे पास न्यूरॉन की। न्यूरॉन पोलराइज्ड तो था बट वो हमारे पास क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, यानी चार्ज था लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में था। लेकिन और जो है वो कौन सी स्टेट थी हमारे पास, पोलराइज्ड स्टेट थी। अब एक्शन पोटेंशियल या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ द एक्साइटेड स्टेट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कहें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहें, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, अच्छा अब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन हमारे पास पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमारे पास हमने फिर वो भी डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से हमारे पास जो है नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही थी इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम इसको, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आगे डेफिनेशन लिखी हुई है इसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक डायग्राम को समझते हैं। This electrochemical change appears for a very short period of time, followed by the recovery of the previous polarized state. ठीक है, कह रहे हैं कि ये electrochemical change जो होता है ये बहुत short period of time के लिए होता है। ठीक है, बहुत मतलब जल्दी से, fastly ये होता है, बहुत कम time के लिए change आता है, और फिर हमारे पास क्या होती है कि जो previous polarized state होता है उसकी recovery हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, repolarization कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आप लोग अगर इस देखें इधर, तो ये लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ हम क्या हो रहा है, हमारे पास वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। लेट सपोज ये वाली जो वेव जो है यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब ये वाली जगह जो है ये कौन सी स्टेट हो गई, ये डीपोलराइज स्टेट हो गई। डीपोलराइज स्टेट का मतलब कि ये एक्टिव हो गई है। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट में नहीं है, ये एक्टिव हो गई है। अब रेस्टिंग स्टेट में क्या था, रेस्टिंग स्टेट ये स्टेट है, देखें ये पोलराइज स्टेट होगा, ये पोलराइज, ये रेस्टिंग स्टेट है। इसमें हमने क्या पढ़ा, यही पढ़ा था ना कि नेगेटिविटी क्या होती है, अंदर ज्यादा होती है और बाहर हमारे पास पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन ये वाली स्टेट अब कौन सी है, डीपोलराइज स्टेट है। ठीक है, ये एक्टिव हो गई है, तो यहां पर पॉजिटिविटी इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन ज्यादा है देन आउटसाइड, आउटसाइड नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है या ये वेव जो है ये मूव कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो है वो आगे की तरफ होगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो है यहाँ पर ये वेव यहाँ आ गई ना, ट्रेवल कर रही है। अब ये वाली जगह क्या है, ये डीपोलराइज्ड हो गई, यानी ये एक्टिव हो गई। अब ये तो एक्टिव हो गई है, इसके आगे वाले जो है ये तो वही रेस्टिंग स्टेज में, अब यहाँ तक जो है वेव नहीं पहुंची। ठीक है, अब ये जो है डीपोलराइज स्टेट में है, तो ये जो प्रीवियस वाली जगह होगी ना, इसकी क्या होगी, इसकी रीपोलराइजेशन हो जाती है। रीपोलराइजेशन का मतलब कि ये अगेन अपने वापस से स्टेट में आती है। ठीक है, वापस से अपने आप को रिकवर करती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये डीपोलराइज स्टेट है वो अब यहाँ तक आ गई है। ठीक है, वेव जो है वो ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ गई, इसका मतलब ये डीपोलराइज स्टेट हो गई। लेकिन अब जो फर्स्ट वाले था ना, वो रिपोलराइजेशन उसकी हो गई, तो वो किस स्टेट में आ गया, पोलराइज स्टेट में आ गया, और ये वाली जगह अब क्या हो गई, रिपोलराइज्ड हो गई। अब इसी तरह जैसे जैसे ये वेव आगे को ट्रेवल करेगी, वो वाली जगह हमारे पास क्या होती जाएंगी, एक्टिव होती जाएंगी, डीपोलराइज स्टेट में होती जाएंगी, और प्रीवियस जो जगह होंगी वो क्या होंगी कि वो रिपोलराइजेशन उनकी होगी और वो हमारे पास दोबारा से पोलराइज स्टेट में आ जाएंगी। तो अगर इस डेफिनेशन को अगर आप देखें, आप दोबारा से रीड करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि दिस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अपीयर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट, और ये सारा ये जो पोलराइजेशन और ये रीपोलराइजेशन और ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहे होते हैं, फॉलोड बाय द रिकवरी ऑफ द प्रीवियस पोलराइज स्टेट। ठीक है, और ये जो मतलब प्रीवियस पोलराइज स्टेट था उसकी क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये शॉर्ट सा नोट मैंने लिखा भी है कि कंडीशन ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड इनसाइड।
अब हमारे पास ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये कितना होता है, 40 मिली वोल्ट से लेकर प्लस 50 मिली वोल्ट तक। इन दिस वे अ वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की या फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है या फिर एक्शन पोटेंशियल की वेव क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंक्लूडेड इन एस्टेब्लिशिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्शन मेम्ब्रेन या एक्शन पोटेंशियल या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस्टेब्लिश होता है। नंबर वन वी हैव इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमारे पास क्या है कि इफ अ स्टिमुलस इज केपेबल टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज ऑन न्यूरॉन और टू एक्साइट अ गिवन टिश्यू, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और एडिक्वेट स्टिमुलस। देखें कि अगर एक स्टिमुलस इतना केपेबल है कि उसकी वजह से न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, इतना वो जो है एक्साइट कर रहा है, उसको कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इतना एक स्टिमुलस केपेबल है, तो मतलब वो किस किस्म का स्टिमुलस होगा, वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उसको हम कहेंगे। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से फिर क्या होगा कि जहरी बात है वो एक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं ना, एक्साइट कर रहे हैं न्यूरॉन को, तो हमारे पास क्या होगा कि रेस्टिंग स्टेट से हमारे पास जो है वो एक्टिव स्टेट में हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूरॉन चला जाता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है कि इफ स्टिमुलस फेल्स टू एक्साइट और अराइज एनी रिस्पॉन्स इट इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड और इनएडिक्वेट स्टिमुलस। और अगर वो नहीं कर पा रहा, इतना एक्साइट नहीं कर पा रहा या कोई रिस्पॉन्स वो अराइज नहीं कर पा रहा, तो फिर उस स्टिमुलस को हम क्या कहेंगे, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या फिर इनएडिक्वेट स्टिमुलस कहेंगे। अब हमारे पास नर्व इम्पल्स की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो कितनी है, -55 मिली वोल्ट, और ये -55 मिली वोल्ट एसेंशियल है फॉर ऑल्टरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट की तरफ जाना, ठीक है, रेस्टिंग को कन्वर्ट करना किसमें, एक्टिव स्टेट में, उसके लिए कितनी वैल्यू चाहिए, -55 मिली वोल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम, वैसे तो हमारे पास सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे थे ना, अब इसमें क्या होगा कि सोडियम आयंस जो है वो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन आते हैं, सो न्यूरॉन फाइबर्स स्टिमुलेटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड एरिया बिकम्स मोर परमिएबल। अब जब न्यूरॉन फाइबर जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो सोडियम के लिए जो एरिया हो जाता क्या होता है, वो ज़्यादा परमिएबल हो जाता है। परमिएबल के मतलब वो ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है सोडियम का वो फिर ज़्यादा होगा, सो इट बिकम्स मोर परमिएबल टू सोडियम देन पोटेशियम आयन बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स, ठीक है, सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं तो सोडियम का हमारे पास इन्फ्लक्स होता है। अब फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम, वैसे तो रेस्टिंग स्टेट था ना वो कितना होता है हमारे पास, -70 मिली वोल्ट, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल जब हमारे पास इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होता है, सो -70 से किस की तरफ कन्वर्ट होता है, 0, और फिर 0 से +50 मिली वोल्ट, जो हमने अभी पढ़ा कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, सॉरी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, +50 मिली वोल्ट। दिस स्टेट ओनली लास्ट फॉर अबाउट 1 मिली सेकेंड, और हमने कहा ना कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो ये तकरीबन कितना होता है, 1 मिली सेकेंड, टिल द सोडियम गेट्स आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है। फिर क्या है कि आफ्टर द पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल स्पाइक पोटेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ द सोडियम डिक्रीजेस एंड पोटेशियम इंक्रीजेस। अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत बहुत पीक तक पहुंच गया है, ठीक है, यानी एक स्पाइक पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं, तब क्या होगा हमारे पास कि सोडियम के लिए परमिएबिलिटी वो कम हो जाती है और पोटेशियम के लिए ज्यादा हो जाती है। सो पोटेशियम आयंस क्या करते हैं, इट डिफ्यूजेज मोर रैपिडली आउटसाइड एंड इन दिस वे ओरिजिनल पोलरिटी इज रीगेन्ड, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिपोलराइजेशन कह रहे हैं। अब अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो आप लोग को समझ आ जाएगी। अब डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, यानी एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, हमारे पास पोटेशियम गेट्स जो है वो बंद है, ठीक है, और सोडियम गेट्स जो है वो ओपन है, तो सोडियम हमारे पास क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन आ रहा है, और जब इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन आएगा तो हमें पता है कि फिर एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, पॉजिटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अब अगर आप रिपोलराइजेशन में देखो तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि रिपोलराइजेशन में सोडियम गेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम वाले ओपन हो जाते हैं, तो पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियसली, ठीक है, अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, आपके कॉन्सेप्ट जो है उससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, तो ये पोटेशियम आयन्स जो हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगे रीपोलराइजेशन स्टेट में, हमारे इसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिविटी अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और पॉजिटिविटी हमारे पास बाहर ज़्यादा होगी। अब क्यों नेगेटिविटी अंदर ज़्यादा होती है उसके भी कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है, दैट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का सारा वो था। देन वी हैव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, जो हमने अभी ये पढ़ा ना कि रिकवरी होती है, तो ये तकरीबन हमारे पास क्या है, अराउंड 2 मिलीसेकंड्स होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना होता है, अराउंड 2 मिलीसेकंड, एंड इट इज द रिकवरी पीरियड। अब हम जल्दी से अगर टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स को स्टडी करें तो नर्व इम्पल्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, कंटिन्यूस इम्पल्स और सॉल्टेटरी इम्पल्स। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा काम जो है ना हमारे पास ये माइलिन शीथ जो होती है वो करती है। अब माइलिन शीथ क्या है ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं न्यूरॉन के, ठीक है, न्यूरॉन में हम कर चुके हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था। तो माइलिन शीथ क्या करती है, न्यूरॉन को हमारे पास प्रोटेक्शन देती है, इंसुलेशन देती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, कंटिन्यूस और सॉल्टेटरी। अब कंटिन्यूस में क्या होता है कि वो न्यूरॉन फाइबर जो कि नॉन माइलिनेटेड हो, ठीक है, वहां पर कौन सा नर्व इम्पल्स हमारे पास होता है, कंटिन्यूस इम्पल्स होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। अब सबसे पहले अगर आप लोग ये सॉल्टेटरी को समझ लो फिर कंटिन्यूस को समझना ईजी होगा। सॉल्टेटरी इम्पल्स में बेसिकली क्या होते हैं कि वो न्यूरॉन फाइबर जो कि माइलिनेटेड होते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सॉन, ये हमारे पास एक्सॉन है, ये हमारे पास जो है हमारे पास नोड्स ऑफ जो रेनवियर होते हैं, ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास माइलिन शीथ है, ठीक है, एक्सॉन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास इसमें जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो जंपिंग पोजीशन में ट्रेवल करती है, यानी जो बीच बीच में ये जो गैप्स आपको नजर आ रहे हैं ना जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कह रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह यानी इस नोड से इस नोड तक जो है नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है, इस नोड से इस, ठीक है, जंपिंग पोजिशन में। तो इस तरह नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है ना वो ज्यादा होती है, जल्दी ट्रेवल करती है। तो सॉल्टेटरी इम्पल्स कौन से न्यूरॉन फाइबर्स में हो रहा है, माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स में होता है। माइलिन शीथ इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है, ये हमारे पास इम्परमीएबल होती है। डीपोलराइजेशन अकर्स ओनली एट द नोड्स ऑफ रेनवियर, यानी ये जो नर्व इम्पल्स की मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर में होती है, इस तरह ये जो है जंप करके मूव कर रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम नोड टू नोड, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल किस तरह हमारे पास कंडक्ट हो रहा है, एक नोड से दूसरे नोड, इस नोड से इस नोड, इस नोड से इस नोड। दिस काइंड ऑफ जंपिंग इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, एंड इज अराउंड 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप लोग अब कंटिन्यूस को देखो तो कंटिन्यूस ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड है ना, इसमें नोड्स ऑफ रेनियर वाला वो तो नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूस हमारे पास नर्व इम्पल्स मूव करता है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल किस तरह, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड इज अराउंड 0.1 मीटर पर सेकेंड, स्लोअर प्रोसेस एंड रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अब आप लोग सोचें कि अगर कोई चीज जंप करके मूव कर रही है तो वो जल्दी ज्यादा ट्रेवल करेगी, या फिर कोई जो है नॉर्मल पेस से चल रही है तो वो जल्दी ट्रेवल करेगी। ऑब्वियसली अगर जंप करके वो जा रही है, वो ट्रेवल करी है, तो वो जल्दी ट्रेवल करेगी। और हमने यहाँ पे देख भी लिया कि उसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड थी सॉल्टेटरी की, और कंटिन्यूस की कितनी है, 0.1। तो ये बहुत फर्क है इसमें, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि सॉल्टेटरी इम्पल्स जो है वो जल्दी ट्रेवल करती है बिकॉज वो जंपिंग पोजीशन में करती है। और जंपिंग पोजीशन में क्यों करती है, क्योंकि वो नोड टू नोड ट्रेवल करती है, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास माइलिन शीथ का होना जरूरी है। तो ये सॉल्टेटरी किस में होगी, हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स में होती है, और कंटिन्यूस इंपल्स नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स, ठीक है, इसमें जो है हमारे पास कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं होती, नोड टू नोड होती है सॉल्टेटरी में, और कंटिन्यूस में हमारे पास कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्व इम्पल्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू।